अगर हमारे पास एक रीजन ऑफ ट्रांसमिशन है तो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में उस रीजन ऑफ ट्रांसमिशन को मल्टीपल स्पेसेस में डिवाइड किया जाता है। देन उसके बाद हर यूजर को एक चैनल अलोकेट किया जाता है जिसके मदद से डेटा ट्रांसफर हो सके। अब एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस डायग्राम में जो रीजन ऑफ ट्रांसमिशन है उस रीजन ऑफ ट्रांसमिशन को तीन स्पेसेस में डिवाइड किया गया है, स्पेस S1, स्पेस S2 एंड स्पेस S3। ये जो S1, S2, S3 है वो स्पेस को डिनोट करते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें C का मतलब होता है कोड, टी का मतलब होता है टाइम और एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। एंड देन ये अलग अलग चैनल्स हैं, चैनल K1, चैनल K2, चैनल K3 एंड सो ऑन, जो यूजर्स को अलोकेट किया गया है। एंड उसके बाद ये जो चैनल K1 है वो स्पेस S1 से मैप्ड है, ये जो चैनल K2 है वो स्पेस S2 से मैप्ड है, ये जो चैनल K3 है वो स्पेस S3 से मैप्ड है। एंड जो बाकी के चैनल्स हैं, चैनल K4, चैनल K5 एंड चैनल K6, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होगी। अब अगर सपोज यूजर वन को सिग्नल सेंड करना है तो वो सिग्नल चैनल K1 से होके स्पेस S1 को फॉलो करके आगे बढ़ेगा क्योंकि चैनल K1 स्पेस S1 से मैप्ड है। अगर यूजर टू को सिग्नल सेंड करना है तो वो सिग्नल चैनल K2 से होके स्पेस S2 को फॉलो करके आगे बढ़ेगा क्योंकि चैनल K2 स्पेस S2 से मैप्ड है। अगर यूजर 3 को सिग्नल सेंड करना है तो वो सिग्नल चैनल K3 से होके स्पेस S3 को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। अब आपको टोटल 5 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, चैनल का इस्तेमाल क्यों होता है। अब अगर आप एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे नोट्स रेफर करो, बट एग्जाम में आपको लिखना है कि चैनल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो है कि गार्ड चैनल का मतलब क्या होता है। ये जो चैनल्स के बीच में आप स्पेस देख पा रहे हो, इस स्पेस का मतलब होता है गार्ड चैनल। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये होता है कि अगर गार्ड चैनल नहीं रहा तो दो चैनल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो दो चैनल एक दूसरे के बीच में इंटरफियर करेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। और यही गार्ड चैनल का इंपॉर्टेंस होता है कि गार्ड चैनल से दो चैनल इंटरफियर नहीं करते, गार्ड चैनल से दो चैनल के बीच में एक स्पेस बना रहता है हमेशा। अब स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, एंड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्पेस लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसका एक यूजेस भी है, दैट इज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज इन GSM। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सर्विस मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कर दो। ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में और ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। और ये हमारे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।